हेलो नमस्कार। 112 के सिलेबस में हमने आज है डे 184 और वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं हम। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो विवर्तन और व्यक्तिगत में 2020-21 की बात करें। इस साल के लिए जो वर्तमान चल रहा है 2020-21 कोविड ईयर जिसको नाम दे रखा है गवर्नमेंट ने, उसके लिए तो इस सिलेबस को परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट सत्र से तो पूरा सिलेबस ही रहेगा, इस सत्र के लिए तो परिवर्तित सिलेबस है, उसके लिए ये अंतिम टॉपिक है। यानी जो वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है यहाँ तक 2021 के सिलेबस में आएगा, उसके आगे के जो टॉपिक है ध्रुवण है, ध्रुवण के बारे में दे रखा है, तो वो सिलेबस में हमारे नहीं है। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए, स्टडी के लिए, आगे की तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बार क्योंकि अभी बहुत समय एग्जाम में, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर बाद में जब भी उससे संबंधित आगे पढ़ना पड़ेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तो एक ही बार आप उसको रिवाइज जरूर कर लें। बात करते हैं व्यक्तिगण और विवर्तन में अंतर, दोनों के बारे में मैं पढ़ लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं इसके अंदर, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि व्यक्तिगण और विवर्तन में एक अंतर लिखिए या कह देते हैं दो अंतर लिखिए, तो आपको दो तीन अंतर तो कम से कम इसके अंदर करता हूँ। बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो डिफरेंस है वो है इनकी परिभाषा का ही। तो आप एक तरह व्यक्तिगण और एक तरह विवर्तन लिख लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप इसको डिटेल में थोड़ा नोट कर लेना कि व्यक्तिगण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही है, व्यक्तिगण की परिभाषा अलग है, विवर्तन की अलग है, और वो परिभाषा ही में पहला डिफरेंस डाल देते हैं। व्यक्तिगण में क्या होता है, व्यक्तिगण में दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है और परिणामी तरंग का निर्माण करती है, जिससे ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है और व्यक्तिगण की घटना प्राप्त होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, लिखी हुई है आपके पास, तो उसी में से देख के भी आप लिख सकते हैं। विवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, वहां एक ही छिद्र होता है, स्लिट एक ही होती है, ए बी, उसी का ही प्रत्येक बिंदु जो होता है एक नए स्रोत की तरह व्यवहार करता है। तो एक ही स्लिट के अलग अलग बिंदुओं से आने वाली तरंगिकाएं, जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं भी कह सकते हैं, वो अध्यारोपित होकर विवर्तन प्रतिरोध बढ़ाती है। तो दोनों की परिभाषाएं हो गई, दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो पहला इनमें डिफरेंस है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दो कला संबंध स्रोतों से उत्सर्जित तरंगाग्रों के अध्यारोपण के पश्चात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है और व्यक्तिगण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां दो कला संबंध स्रोत है, तो ये डिफरेंस भी है, इसमें दो कला संबंध स्रोत है और एक ही स्रोत है। ठीक है, एक ही स्रोत के भिन्न भिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन प्रतिरोध प्राप्त होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब बाकी जो बातें इसकी आगे की वो सारी वो भी हमने कर रखी है। विवर्तन में हमने जब डिस्क्राइब किया था पूरा, तो उसमें हमने बताया था कि प्रतिरूप कैसा प्राप्त होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा, उसमें तीव्रता ज्यादा होगी, फिर ऊपर एकांतर क्रम में निम्निष्ट आएगा, फिर अगला उच्चिष्ट आएगा, फिर निम्निष्ट आएगा, फिर उच्चिष्ट आएगा, और हमने बात की थी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्लियर,
और व्यतिकरण में हमने क्या कहा था, सारी फ्रिंजेस जो होती हैं वो समान चौड़ाई की बनती हैं, चाहे दो लगातार काली फ्रिंजों का अंतर ले लो, चाहे लगातार दो चमकीली फ्रिंजों का अंतर ले लें, हम उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा समान आता है। इसका मतलब यहाँ जो प्रतिरूप है वो कैसा प्राप्त होता है, मैं बड़ा देता हूँ, ये ऐसे होगा, जैसे मान लो ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो यहाँ देखिए तो इसकी चौड़ाई देख लो, चाहे तो बीच वाला भाग है इसकी चौड़ाई देख लो, इसकी चौड़ाई देख लें या इसकी चौड़ाई देख लें, सारी क्या रहेगी बराबर रहेगी। इसको भी बढ़ा लेते हैं अपने, इसमें क्या रहता है, इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसकी कम हो जाती है, इसकी और कम हो जाती है, इसकी और कम हो जाती है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बता रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम अगर हमें ध्यान है इनके तो हम यहाँ से इनको देख के भी लिख सकते हैं, और आप डिफरेंस पूछा जाए तो डायग्राम में बनाते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, डायग्राम में बनाते हैं, उससे पता चल जाएगा कि लिखने वाले को पता है व्यतिकरण और विवर्तन क्या क्या होते हैं, उनके रिजल्ट कैसे आते हैं, रिजल्ट का तभी पता होता है जब हमें उसकी एक्चुअल पूरी प्रोसेस पता होती है, इसलिए आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम लेकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, विवर्तन में क्या होता है, फ्रिंजों की चौड़ाई असमान होती है, या पूरा डिटेल बताए तो भाई केंद्रीय भाग सबसे ज्यादा चौड़ाई का होता है, आगे के भाग की चौड़ाई धीरे धीरे कम होते हैं। अब देखो ज्यादा किसमें बढ़ेगी, संख्या में ज्यादा किसमें बढ़ेगी, जिसमें बराबर बराबर होंगी उसके अंदर इतने भाग के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, और उसमें इतने भाग के अंदर एक ही बढ़ेगी केंद्र की, फिर आगे की बढ़ेगी, फिर उसके आगे की बढ़ेगी, तो अगर व्यस्त तुलना करें तो इसके अंदर क्या होगी, पिंजों की संख्या ज्यादा होगी, उसमें पिंजों की संख्या इसकी तुलनात्मक कम होगी, तो ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है, ये भी डायग्राम से हम याद रह सकते हैं। तीसरी बात करें तो व्यतिकरण में ऊपर तो पिंजों की चौड़ाई की बात की है, ठीक है, यहां पिंजों की संख्या की बात करें, पिंजों की संख्या अधिक होती है, यहां बात करें तो यहां फ्रिंजों की संख्या कम होती है, अब देखो यहां हमने चौड़ाई की बात की है और तीव्रता की भी बात कर सकते हैं, ऊर्जा की भी बात कर सकते हैं, तो यहां सभी की तीव्रता भी समान होती है, जितनी चमकीली होंगी सभी एक जितनी चमकीली होंगी, यहां क्या होगा केंद्र में प्रकाश ज्यादा होगा, केंद्र में की सबसे ज्यादा चमकीली होगी, उसके ऊपर वाली थोड़ी कम चमकीली होगी, उसके ऊपर वाली थोड़ी और कम चमकीली होगी, तो यहाँ सब में क्या होगी अलग अलग होगी, तो यहाँ तीव्रता सभी फ्रिंजों की समान होती है, यहाँ सभी फ्रिंजों की कम होती हुई होती है, एक आगे से आगे जैसे जैसे बढ़ती है वैसे कम होती है। तो चौथा अंतर क्या ले सकते हैं, व्यतिकरण में फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, यहां क्या होता है, यहां सभी फ्रिंजों की तीव्रता अलग अलग होती है, और पूरा डिटेल से भी चाहे तो थोड़ी सी एक बात और बता सकते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट जो होता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा कम होगा, तो ये बेसिकली अंतर है, कम से कम दो डिफरेंस तो आपको पता रहे, बाकी तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, पूछे जाते तो नॉर्मली एक दो ही पूछे जाते हैं, तो आप एक तो डेफिनेशन अगर हमें पता है, जैसे पिछली क्लास में हमने किया था कि एकल रेखा छिद्र के द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विवर्तन हमें डेफिनेशन पता हो,
विवर्तन के प्रकार में छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रेजल फ्रॉना परिवर्तन को अपने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, उसमें से दो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उसमें से पूछ लिए जाते हैं। और फिर यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो विवर्तन और व्यतिकरण है, तो छोटे क्वेश्चन के लिए कोई जैसे बड़े क्वेश्चन में बात करते हैं तो ये बात कर लेते हैं भाई ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में सारे महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ भी कैसे भी किसी भी तरह से लैंग्वेज को घुमा के या डायरेक्ट या न्यूमेरिकल पोर्शन या डेफिनेशन पोर्शन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको जहाँ छोटे टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छी तरह से लाइन टू लाइन समझ लेना है, समझ के एक दो बार रिवाइज कर लेना तो वो याद रह जाएंगे, ठीक है। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें। अब हम आगे ये चैप्टर के पिछले जितने भी सालों के पेपर आए हुए हैं, जैसे जो पिछला रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में हमने डाले थे वैसे ही इसके भी अपलोड हम कर देंगे वीडियो बढ़ा के एक दो दिनों के अंदर। तो वो आप पिछले साल में आए क्वेश्चन का कलेक्शन जरूर देखें तो आइडिया हो जाएगा कि विवर्तन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टॉपिक तो वही रहता है, टॉपिक नहीं बदल रहा तो क्वेश्चन भी नहीं बदल रहे, क्वेश्चन भी घूम फिर के वही बनते हैं। विवर्तन में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, यही पार्ट है अपने पास, विवर्तन व्यतिकरण में अंतर पूछ ले, विवर्तन किसे कहते हैं, फ्रॉनहोफर क्या है, फ्रेनेल क्या है, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। उन क्वेश्चन को आप साथ साथ नोट भी कर लेना और साथ में उनको रिवाइज भी कर लेना कि आपको वो क्वेश्चन याद है या नहीं है। ये बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।